बेहतरीन 5,000 रुपए के अंदर पूरा सेटअप है गाइस, देख सकते हो कंपनी का, कंपनी का। तो अगर ये मार्केट में देखने जाए तो इसकी क्या वैल्यू होगी? ये नया लेने जाओगे तो मिनिमम असेंबल्ड बर्ड, ओके। फिर ये है गेमिंग के लिए i5 6th जनरेशन 7th जनरेशन। इसका प्राइस क्या है? दिस इज योर सिराज श्रीफ, एक और नई वीडियो के साथ वेलकम माय यूट्यूब चैनल सेजू व्लॉग। सो अभी मैं जहाँ पे आया, आप लोगों ने थंबनेल देखा, बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे थे कि भाई सीपीयू पे बनाओ, बजट कंप्यूटर के ऊपर बनाओ और लैपटॉप के ऊपर बनाओ एक प्रॉपर वीडियो। तो मैं आ चुका हूँ रिलीफ रोड के ऊपर, सामने आप लोग देख सकते हो पेट्रोल पंप है, और यहाँ का लोकेशन, यहाँ का एड्रेस और यहाँ का मोबाइल नंबर सब कुछ मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल करवा दूंगा। तो अभी मैं विजिट कराऊंगा यहाँ पे जो सबसे बड़े होलसेलर और डीलर हैं अहमदाबाद के अंदर, तो उनसे मैं आपको मिलाऊंगा। उनका नाम है अदनान भाई। तो आज की वीडियो हम लोग स्टार्ट करेंगे, और जो भी बजट कंप्यूटर का प्राइस है, लैपटॉप का प्राइस है, डेस्कटॉप का प्राइस है, जितनी भी ऐसी सीरीज का प्राइस है, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। तो वीडियो के अंदर बने रहना, और इस वीडियो, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो भैया इस वीडियो पर 1000 लाइक कंप्लीट करवा देना। तो चलिए आज की वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देख सकते हो ये पूरा रिलीफ रोड है, और यहाँ पे आगे जकरिया मस्जिद है, ये जकरिया मस्जिद आप लोग देख सकते हो, और यहाँ पे पेट्रोल पंप है एचपी का, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग, मैं यहाँ का लोकेशन दूंगा, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ इजी कंप्यूटर सॉल्यूशन, कंप्यूटर सेल सर्विस, कंप्यूटर स्टार्टिंग ₹8,4,000, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग डायरेक्टली आ सकते हो, और यहाँ से आप लोग ऊपर चढ़ सकते हो। मैं यहाँ का लोकेशन और एड्रेस डाल दूंगा, जकरिया मस्जिद के एग्जैक्ट सामने, ठीक है। तो गाइस एज यू कैन सी यहाँ पे देख सकते हो कितना सारा स्टॉक बाहर भी रखा हुआ है, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे बहुत अंधेरा है, अभी हम लोग यहाँ पे जाएंगे हमारे अदनान भाई से मिलने। यहाँ पे देख सकते हो गाइस इंटर हो चुके हैं, यहाँ पे कितना सारा स्टॉक रखा हुआ है। ये सीपीयू है, ये सीपीयू, ये पूरा एसेसरीज है। यहाँ पे पूरा मॉनिटर रखा हुआ है, यहाँ पे पूरा मॉनिटर रखा हुआ है, यहाँ पे पूरा सीपीयू रखा हुआ है। अभी अदनान भाई जो हमारे हैं वो अंदर बैठे हुए, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कितना सारा माल रखा है। तो यहाँ पे हमारे साथ अदनान भाई है। तो कैसे हो अदनान भाई? बढ़िया, बस बढ़िया बढ़िया। यहाँ पे हमारे साथ अदनान भाई यहाँ पे है। तो अदनान भाई आप ओनर हो यहाँ के? जी सर। तो अदनान भाई कब से कर रहे हो ये? 5-6 साल जैसे हुए ये शॉप को, उससे पहले नॉर्मल घर से वर्क कर रहा था। तो सर अदनान भाई यहाँ पे आप क्या क्या सर्विस देते हैं, क्या क्या बेचते हैं, बता सकते हैं? डेस्कटॉप लैपटॉप्स मेन प्रॉपर सेल्स का है, और होम सर्विस भी देते हैं, और यहाँ पे कोई भी लाए तो खड़े खड़े सर्विस आपका डेस्कटॉप लैपटॉप का रिपेयरिंग वगैरह सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ हो जाता है। तो जो हमारा बजट का कंप्यूटर था वो अभी हम लोग, इसमें प्राइस मत बताना, बट इतना सस्ता और कोई देता है क्या? नहीं दे सकता, लेकिन सर्विस के ऊपर मैटर रखता है, सर्विस कैसी देते हो आप और मटेरियल कैसा है। सस्ता तो सब कोई दे देगा, लेकिन उसका मटेरियल कैसा है, कंपनी कैसी है, कॉन्फ़िगरेशन क्या है, उसके ऊपर है। सही है। मैं आपको सबसे सस्ता वाला दिखा देता हूँ, एचपी और डेल में पूरा सेट, जो नॉर्मल आप स्टूडेंट और होम यूज के लिए यूज कर सकते हो। ओके। तो अदनान भाई यहाँ पे मतलब पूरे अहमदाबाद के अंदर आप मतलब सर्विस देंगे, या बंदे को यहाँ पे आना पड़ेगा? बंदा यहाँ पे आएगा तो तुरंत ही खड़े खड़े हो जाएगा। ऑन साइड सर्विस में थोड़ा टाइम देना पड़ता है, एक दिन में या दूसरे दिन में हो जाएगा, लेकिन ऑन साइड आएगा मतलब मेरी ऑफिस पे कोई भी आके करवाएगा तो तुरंत ही खड़े खड़े हो जाएगा। ओके ओके। सो अभी हम लोग चलते हैं, हमारा जो बजट कंप्यूटर है वो देखेंगे, लैपटॉप भी देखेंगे। एंड गाइस यहाँ पे आप लोग यहाँ पे डायरेक्टली आ सकते हो, बट ऑनलाइन सर्विस नहीं मिलेगी, ऑनलाइन डिलीवरी आपको नहीं मिलेगी, आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। अगर आप लोग अहमदाबाद के अंदर हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अदनान भाई का नंबर दे दूंगा, आप यहाँ से कुछ भी आके बाय कर सकते हो। अगर यहाँ पे आके आप लोग बाय करेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि यार क्या प्रोसेसर है, क्या रैम है, आपको जो भी चाहिए वो देख के लोगे तो ज़्यादा बेटर करेगा। फेस टू फेस और आइटम देखने के बाद आप लोगे तो वो अच्छा रहेगा। ऑनलाइन डिलीवरी क्या बोलते हैं और क्या देते हैं वो सब अलग अलग रहता है, आप देख के लोगे वो अच्छा रहेगा। तो चलिए अदनान भाई अभी स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। यहाँ पे अभी हम लोग देखेंगे डेस्कटॉप की प्राइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको ओनली मॉनिटर लेना हो तो मिनिमम रेट है 15 इंच का, 15 इंच है ये 1200 का पड़ेगा आपको। ओके। कोई भी कंपनी में सब ब्रांडेड ही रहेगी, 1200 रुपए 15 इंच, और उससे बड़ी साइज में है फिर ये साइज आएगी 1700, 17 इंच है 1700 रुपए। ओके। उससे बड़ी साइज में जाओ तो 19 इंच, कोई भी ब्रांडेड ही कंपनी आएगी, कोई भी इसमें चाइना नहीं है, बैंक्यू है, एसर है, एचपी है, या 19 इंच है, 19 इंच पड़ेगी 2500। फिर उससे बड़ी में जाओ 20 इंच में तो आप देखोगे ये वाली है 20 इंच, ये 20 इंच है, इसका क्या प्राइस है? 20 इंच का पड़ेगा 3000 रुपया जी। ओके।
उससे बड़ी फिर 22 इंच। ओके 22 इंच फुल HD वाली है। अच्छा, फुल HD। ओके ये 3500 की। 3500 की, हाँ। ओके और उससे बड़ी फुल HD में फिर Dell IPS मॉनिटर। IPS मॉनिटर जी, फुल HD जो आपके जैसे YouTube एडिटर यूज करते हैं। ओके फोटो एडिटिंग में यूज होता है फुल HD IPS। अच्छा 4500 की। 4500 की। तो मार्केट में इसकी इसकी जो रिटेल वैल्यू है क्या है? आप न्यू में लेने जाओगे तो 11-12 हजार से ऊपर पड़ेगा। अरे बाप रे, इतना ज्यादा। तो ये अपने को 4.5 में मिलेगा। ये 4500। गाइस ये था हमारा डेस्कटॉप। अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे CPU की तरफ विद कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या है और प्राइस क्या क्या है उसके साथ। चलिए अदनान भाई स्टार्ट करते हैं। आपको बजट डेस्कटॉप में जाना हो, बजट CPU में, तो ये 3000 का आएगा। डेल का पूरा CPU, डेल कंपनी का पूरा कंपनी फिटिंग और कंडीशन भी ये प्लस प्लस कंडीशन। इसके अंदर क्या क्या है? इसमें बजट में जाना हो तो इंटेल कोर स्टूडियो 2GB रैम 160GB हार्ड डिस्क। okay. इसमें 4GB रैम और 1TB हार्ड डिस्क भी कर सकते हो। ओके okay. तो मैंने बताया आपको बजट में ये CPU पड़ेगा 3000 में। उसके साथ LCD करो 15 इंच की। ये LCD और ये CPU है और कीबोर्ड माउस का पूरा सेट, ये पूरा 5000 में होगा। कितने में? 5000। वो बजट कंप्यूटर के बात कर रहे थे वही। हाँ वही 5000। क्या बात है गाइस, देख सकते हो ये CPU मिल रहा है और ये मॉनिटर मिल रहा है, उसके साथ माउस और कीबोर्ड भी मिल जाएगा विद 5000 रुपए ओनली। तो ये मतलब कैसे लोग यूज कर सकते हैं इसको? कीबोर्ड माउस इसमें नया आएगा, नया कीबोर्ड माउस। वाओ वाओ वाओ, बेहतरीन। 5000 रुपए के अंदर पूरा सेटअप है गाइस, देख सकते हो कंपनी का। तो अगर ये मार्केट में देखने जाए तो इसकी क्या वैल्यू होगी? ये नया लेने जाओगे तो मिनिमम असेंबल पड़ेगा 8-9 हजार में, लेकिन असेंबल वो कोई एक कंपनी का नहीं होगा, वो असेंबल होगा। वाओ गाइस, देख सकते हो ये 5000 रुपए में हमको बजट पूरा CPU मॉनिटर कीबोर्ड और माउस मिल गया है भाई। बहुत मौज काट सकते हो आप लोग इसके अंदर। अभी हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे भी कंपनी है, ये सब देख लो आप लोग गाइस, देख सकते हो ही माल है ये पूरा। तो ये आप लोग जितना चाहो होलसेल में भी ले सकते हैं जी, होलसेल और रिटेल दोनों में। ओके वाह, होलसेल और रिटेल में भी आप लोग ले सकते हो। तो ये पूरा बजट CPU के लिए, बजट कंप्यूटर के लिए पूरा। हाँ जी बजट में, तो मतलब आप लोगों को जितना भी चाहिए यूज करना हो तो ये 5000 में पूरा सेट है। 5000 रुपए में पूरा सेट है गाइस, देख सकते हो। यहाँ पे आपको मॉनिटर मिल रहा है, यहाँ पे आपको CPU मिल रहा है और दो नया कंपनी का कीबोर्ड और माउस भी मिल रहा है ओनली 5000 रुपए में। तो यहाँ पे आप लोग अदनान भाई को डायरेक्टली कॉल करके आ सकते हो और यहाँ से परचेस करके ले जाओ। तो इसमें मतलब कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? प्रॉब्लम होगा तो 1 मंथ में कुछ भी प्रॉब्लम होगा रिप्लेसमेंट गारंटी। 1 मंथ में रिप्लेसमेंट गारंटी? बाप रे बाप यार, आप लोग देख सकते हो यार, मतलब यार सेकंड हैंड है लेकिन 1 मंथ गारंटी मैं दूंगा। वाओ ग्रेट। तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि ये 1 साल तक खराब होने वाला है। कुछ भी नहीं होगा, नहीं होगा। तो अभी हम लोग 10 साल तक कुछ नहीं होगा, लेकिन आपके यूज पर है आप कैसे यूज करते हो उसके ऊपर। हम लोग ने देख लिया है बजट कंप्यूटर के बारे में, अभी हम लोग बढ़ते हैं उसके ऊपर की रेंज में। डेल HP और लेनोवो में है इंटेल कोर i3 i5 i7 डेस्कटॉप। ये आपको बता दूं i3 थर्ड जनरेशन 4GB रैम 500GB हार्ड डिस्क, ये पूरा CPU डेल का 7500 में पड़ेगा कंडीशन ए प्लस CPU। ये पूरा CPU डेल का लेकिन सेकंड हैंड। ओके तो इसके अंदर क्या क्या है कॉन्फ़िगरेशन? इंटेल कोर i3 थर्ड जनरेशन 4GB रैम 500GB हार्ड डिस्क। वाओ ग्रेट। इसमें अपग्रेडेबल है, 4GB है उसको आप 16GB तक चला सकते हो। ओके और 500GB जो मैंने हार्ड डिस्क बोला ओके वो आप 4TB तक भी चला सकते हो। क्या बात है। तो ये अभी मार्केट में सेकंड में अगर लेने जाएंगे तो आपसे कितना ज्यादा देगा पब्लिक? 1500 से 2000 इसका ज्यादा होगा मार्केट में इसका, इसकी वैल्यू। वाओ ग्रेट, देख सकते हो गाइस। तो अभी इसके साथ जो डेस्कटॉप अगर हम लोग ज्वाइन कर देते तो कितने का सेटअप बन जाएगा? अप्रोक्स 2000 प्लस कर दो तो 7.5+2000, 9500 का पूरा okay. सेट यू समझ लो i3 का हो गया। इंटेल कोर i3 का ये 10000 रुपए में बजट कंप्यूटर हो गया जी, ठीक है। और ये 5000 रुपए में हो गया। तो इसके इससे हेवी रेंज है क्या अपने पास? इससे हेवी में इसमें ही आप अपग्रेड कर सकते हो इंटेल कोर i5। ओके ये है इंटेल कोर i5 फोर्थ जनरेशन। ओके फिर ये है गेमिंग के लिए i5 सिक्स्थ जनरेशन 7th जनरेशन। इसका प्राइस क्या है? ये आपको 18000 में पड़ेगा CPU जी, CPU। ओके तो मॉनिटर के साथ 20000 हो गया। i5 6th जनरेशन 8GB रैम और 1TB हार्ड डिस्क। तो उसमें लाइव स्ट्रीम कर सकते क्या? लाइव स्ट्रीम कर सकते हो लेकिन उसमें थोड़ा और ग्राफिक कार्ड की जरूरत पड़ेगी। ओके वो आप बाद में भी डलवा सकते हो। ओके ग्रेट, बहुत बढ़िया। आप लोग देख सकते हो ये 18000 रुपए के लिए गेमिंग के लिए, इसके अंदर आप लोग ग्राफिक कार्ड अगर डलवा देते हैं तो आपका
कंडीशन बिल्कुल परफेक्ट है इसकी, आप लोग देख सकते हो। ग्राफिक कार्ड डालने के बाद तो भैया यार आप लोग लाइव स्ट्रीम भी कर सकते हो पबजी की, ठीक है। पबजी तो अभी बैन है, लेकिन क्या करें अभी बहुत सारे लोग वीपीएन लगा के भी पबजी खेल रहे, क्या बोल रहे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हो गया हमारा बजट कंप्यूटर। आपको इसके बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए हो तो गाइस आप लोग अदनान भाई को डायरेक्टली कॉल कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम लोग चलते हैं हमारे पास जो अंदर लैपटॉप पड़ा हुआ है उसके पास, और उसके भी प्राइस जानेंगे हमारे अदनान भाई से, और उसके अंदर का कॉन्फ़िगरेशन क्या है वो भी जानेंगे। इंटेल कोर स्टूडियो लैपटॉप बजट वाला, हाँ इंटेल कोर स्टूडियो 2GB रैम 160GB हार्ड डिस्क, ये आपको 7000 में होगा, 7000 रुपए में। बैटरी बैकअप 1 आवर प्लस, उसकी मेरी गारंटी भी है। वाओ गाइस देख सकते हो। और ये कौन सा है सर? वो भी सेम है, कोर i3 में है ये। ओके ये 10000 आसपास पड़ेगा। ओके मॉडल के ऊपर है, आप कब आते हो और कौन सा मॉडल अवेलेबल रहता है उसके ऊपर। ओके लेकिन जब भी आप कॉल करके आना, जो मॉडल अवेलेबल होगा मिल जाएगा, मैं आपको फोन पे बता दूंगा। ग्रेट। तो गाइस यहाँ पे मैंने आपको लैपटॉप दिखा दिया, बजट कंप्यूटर दिखा दिया, अभी हमारे अदनान भाई के पास और कुछ भी है वो भी हम लोग को बताएंगे। छोटे मोटे मटेरियल में चाहिए तो आपको ये हार्ड डिस्क है, सब हार्ड डिस्क 80GB से लगा के 4TB तक, न्यू और सेकंड हैंड दोनों मिल जाएगी। ये रही हार्ड डिस्क का पूरा स्टॉक, न्यू और सेकंड हैंड दोनों मिल जाएगी। हाँ जी। ओके तो अभी जैसे मैं आपसे पूछूं कि 500GB हार्ड डिस्क का क्या रेट होगा? 500GB सेकंड हैंड में 800 की पड़ेगी, 800 रुपए की पड़ेगी। यहाँ पे देख सकते हो गाइस वही न्यू हार्ड डिस्क 1400 रुपए। एंड प्रोसेसर भी होगा आपके पास? प्रोसेसर कौन सी जनरेशन का है, क्या है उसकी प्राइस, क्या हो सकती है आपके हिसाब से? मिनिमम कोर 2D है, वो कोर 2D 100 रुपीज से स्टार्ट होता है। okay. फिर i3 में जाओ, i3 1000 रुपए। ओके i5 2500, i5 में थर्ड जनरेशन फोर्थ जनरेशन कौन सी जनरेशन लेते हो उसके ऊपर। ग्रेट। और रैम? रैम भी है DDR2 2GB रैम न्यू पड़ेगी 1 ईयर गारंटी के साथ, ये 400 रुपए। ओके सेकंड में ना न्यू 1 ईयर गारंटी वाली आएगी न्यू DDR4 8GB 2800 की DDR4 8GB रैम। ओके सो गाइस आप लोग यहां से लैपटॉप भी ले सकते हो, बजट कंप्यूटर भी ले सकते हो, गेमिंग कंप्यूटर भी ले सकते हो। तो अहमदाबाद के अंदर ज़्यादातर वीडियोस नहीं अवेलेबल है, लेकिन तुम्हारा भाई तुम्हारा बहुत ख्याल रखता है, ठीक है। तो तुम लोग भी मेरा ख्याल रखना, क्योंकि यार बहुत नंबर ढूंढने के बाद मुझे अदनान भाई का नंबर मिला है, और बहुत सारे लोग से हमने कांटेक्ट किया लेकिन सब ने मना कर दिया। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारी पब्लिक के लिए हम इतना कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर अदनान भाई का कॉन्टैक्ट नंबर और यहाँ का लोकेशन और यहाँ का एड्रेस सब कुछ अवेलेबल है। सो होप गाइस आप लोग को ये वीडियो देखने में काफ़ी मजा आएगी, ठीक। और मैं अभी रिलीफ रोड से बस यहाँ से निकल रहा हूँ, ठीक है। तो ये वीडियो के अंदर मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे दी है, तो आप लोग सीधा इनसे कांटेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे आ सकते हो। आप लोग चाहो तो एक नया यूट्यूब चैनल क्रिएट कर सकते हो, गेमिंग चैनल क्रिएट कर सकते हो। अहमदाबाद के अंदर भैया और किसी ने वीडियो नहीं बनाया, तो भैया हमने वीडियो बना दिया आप लोगों के लिए, तो यहाँ पे आप लोग आ सकते हो डायरेक्टली। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को 100 लाइक जरूर कर देना, ताकि यार मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना इसी तरीके की डेली वीडियो के लिए, ताकि आप लोग को बहुत सारा बेनिफिट मिल सके। और वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया तो शेयर भी कर देना। तो मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, सी यू नेक्स्ट वीडियो।